ये रहे, आज हम दोनों कर रहे हैं आप लोगों का स्वागत। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर शादी में। जैसे जैसे जो जो होता जाएगा वो मैं बताती जाऊँगी। वैसे हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। आज आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ मैं रेल से, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शादी में ग्वालियर। तो ग्वालियर से जो जो है कमेंट करके बताना कि कौन कौन ग्वालियर से है। यहाँ पर अभी हम लोग हो रहे हैं तैयार। मैंने पहनी ये वाली साड़ी, ये आई है इंदौर से हमारी दीदी। और ये दीदी अभी तैयार हो रही है। ये है फिरोजाबाद से हमारी दीदी, नंदो से मिला रही हूँ अपनी। और ये तो लोकल ही है ग्वालियर से। ये हमारी मौसी सास है, महिला अध्यक्ष के लिए काम करती हैं। ये बहुत मतलब बढ़िया काम करती है, प्राउड होता है हमें बहुत। इनसे ही मिल लो, ये आती रहती है हमारे घर पे लेकिन वीडियो में कभी नहीं आ पाती। ये हमारे जीजाजी हैं, इनसे ही मिल लो। नमस्कार जी, क्या आपका? और इनके हस्बैंड फिरोजाबाद से। और कौन रह गया? ये कौन है? ये तो इनका है, तनु दीदी का। ये इंदौर से आए, भांजा है मेरा। और वो तो हस्बैंड है, ये तो रोज ही देखते हैं उनको। तो अरे दूल्हे की मम्मी है, आ गई सही टाइम पे। ये रे दूल्हे की मम्मी, इनके लड़के की शादी है भाई, इनके लड़के की शादी में आए हूँ। राधे राधे बोल दो। राधे राधे, सब्सक्राइबर राधे राधे वाले हैं। हम भी राधे राधे वाले हैं। बिट्टू दीदी से मिला लिया। ये अरे रिंकू तो हटी गई, एक बार भाभी को दिखा लेंगे। भाभी भाभी राधे राधे कर दो। राधे राधे रिंकू, राधे राधे कर दो। राधे राधे दीदी, राधे राधे कर दो। राधे राधे, ये आपकी बहन है क्या? हाँ। राधे राधे कर दो। राधे राधे। ये है मिष्टी, इसके भाई की शादी है। ये भैया, ये भाई के, इसके भाई की शादी है। ये हमारे बच्चे हैं ये एक तरह से, क्योंकि मेरी मौसी है ना, मेरी मौसी की लड़की के लड़के की शादी है। मतलब कि हम है ना, वो बन रहे हैं मौसी सास बनने वाले हम। अभी सुबह का टाइम है और अभी यहाँ पर लगुन पहनाई जा रही है एक्चुअली। तो शादी रात के, मतलब बारात आती है ना, उससे पहले सुबह के टाइम में लगुन पहनाई जाती है हमारे यहाँ पर। तो वही वाला ये रिचुअल हो रहा है। ये मेरे बड़े भैया, ये मेरी बड़ी भाभी, इनको सब जानते ही होंगे। और ये मेरी चाची, ये मेरी चाची अलवर से। और वो ये बरसाने, हाँ बरसाने से, वो बरसाने से भाभी की दीदी। दूल्हा दूल्हे की माँ, पीठ दिख रही है। ये हमारी मामी छोटी, राधे राधे कर दो मामी। राधे राधे। यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन। अभी सुबह एक्चुअली लगुन हो रही थी, अब लगुन कंप्लीट हो गई, अब बारात वगैरह इसका काम चलेगा। बारात टाइम, सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मेहर, हाय
सजया है वे सारा शहर अज हो गया वे रब दी मैं चिट्टा कुकड़ अभी निकल रही है बारात और यहाँ पर मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखा रही हूँ और यहाँ पर कुछ भी बोलने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्जॉय करने की ज़रूरत है। तो आप ये सारा डेकोरेशन है और ये बारात है, इस सबको ना इन्जॉय करिए। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा भी। आज सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महर हाय सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महर चिट्टा कुकड़ बने रे ते चिट्टा कुकड़ बने रे ते। एक समय था जब दुल्हन शर्माते शर्माते आती थी और वरमाला डालती थी और फिर उसके बाद में हमारे टाइम पे ही होने लग गया था कि स्टेज पे दूल्हा खड़ा होकर के वेट करता था और दुल्हन शर्माते हुए आती, हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा लेते थे। फिर टाइम आया कि दुल्हन है ना स्टेज तक डांस करते करते आती थी और फिर अब टाइम आ चुका है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों साथ में स्टेज पर जा रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन की एंट्री चाहे कैसे भी हो, लेकिन कल भी आज भी और आने वाले समय में भी हम सबका, तो मतलब कि जो दूल्हा दुल्हन की शादी में आए हैं उन सबका एक ही कर्तव्य है कि वो भर भर के दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दें, उनके जीवन के सुख में जो जीवन है वो बीते इसकी कामना करते हुए। और क्योंकि विचुअली आप सब मेरे द्वारा इन्वाइटेड है इस शादी में, इसलिए आप सब भी इन दोनों को भर भर के आशीर्वाद दीजिए कि इनका जीवन जो है वो सुखमय बीते। एक पिता अपनी बेटी के इस स्पेशल दिन को और स्पेशल बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन वो उसकी किस्मत नहीं बदल सकता, किस्मत सिर्फ दुआओं से ही बदलती है। इसलिए मैं आप सबसे सिर्फ इतना सा ही कहूँगी कि आप इन दोनों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। मैं यहाँ पर सोच रही थी कि पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मैंने साइड में देख जा कर के देखा तो यहाँ पर इस तरह से वाटरफॉल हो रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। पर इसकी वजह से, इसको देख करके ना, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि आप सबको पता ही है मुझे तो ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो यहाँ पर अच्छा बड़ा लग रहा था, सुंदर लग रहा था मतलब कि, और पूरा ही डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था। हाय गुरु, हाय गुरु,
किसी की समझ में नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है लिटरली, और गाने चल रहे हैं तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट आने का डर है, इसलिए मैं जो रियल में गाने चल रहे हैं ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं डाल सकती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से गाने डाल रही हूँ, अपनी तरफ से म्यूज़िक डाल रही हूँ, और अभी फ़िलहाल है ना मुझे स्टेज पर जाने के लिए बोल रहे थे तो मैं स्टेज पर जा रही हूँ। मैं इसके हर्षित के पापा को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम हो जाते हैं मुझे छोड़ करके। मैं सबके हस्बैंड वाइफ को देखती हूँ, एक दूसरे के पास में ही रहते हैं, लेकिन मेरे पति ऐसे हैं जो मुझे छोड़ छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में। फिर मैं अपनी मौसी की लड़की के साथ में स्टेज पर गई, और बताइएगा कि साड़ी कैसी लग रही है। मैं तो ऐसे ही, आप सब जानते हो कि ज़्यादा कुछ तैयार व्यार होती नहीं हूँ, सिंपल सी रहती हूँ, और इतना मेकअप वेकअप भी मुझे आता नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। तो दूल्हे की माँ वहीं पर ही खड़ी थी, मतलब मेरी बहन, तो फिर मैं उसी उनके साथ में ही फिर फ़ोटो खिंचा करके आई। तो कैसी लग रही है बताइएगा, और मेरी तो बताइएगा लेकिन कपल की भी बताइएगा कि जोड़ी कैसी लग रही है, कैसे लग रहे हैं दोनों। अभी हो रहा है एक्चुअली सुबह के 5:30, और मैं 5:30 बजे का अलार्म लगा करके सोई थी। रात को 3 बजे सोए थे हम लोग, और मैं 5:30 का अलार्म लगा के सोई थी क्योंकि मुझे हर्षित को जगाना था, फ़ोन करना था, उसका एग्ज़ाम है, लेकिन वो अपने आप उठ गया था। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं पर ही बैठी हूँ, सब लोग सो रहे हैं, और ये एक्चुअली हमारी मौसी सास का घर है। अंधेरा हो रहा है सुबह, जब लाइटें जलेंगी ना जब दिखाऊंगी। और अभी फ़िलहाल मैं इनको जगाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि टाइम से पहुँच जाएंगे तो सही रहेगा, हर्षित के एग्ज़ाम्स भी हैं और सुबह की ट्रेन भी है, तो सोचा टाइम से ही निकल जाएं। जा रहे हैं अपने, सुबह सुबह निकल गए। ग्वालियर, ग्वालियर देख लो, ग्वालियर का बाजार। आ गई थी मैं आ गई 11:30 बजे आ गए थे क्यों है ना, तो 11:30 बजे तक आ गई थी मैं, और हर्षित ने इनको रात में सुलाया जगाया। ये रहे हमारे कृषु, और अरे बिस्तर तो हर्षित ऐसे ही छोड़ गया, लेकिन हमारी मैं आई हूँ ना तो देखो इतना खुश हुए, ये इतना खुश हुए हमारे लड्डू गोपाल जी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। क्यों कृषु, अच्छा लगा मम्मी आ गई तो? कहाँ गई थी मम्मी, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी मम्मी, कहाँ गई थी? इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आई तो कृषु, कृषु इतने खुश हुए, मैं बहुत खुश हुआ मम्मा। तो मेरा बाबू है बहुत छोटा सा, ए भैया ने ध्यान रखा था, रखा था भैया ने ध्यान, उठा दिया था रात में अच्छे से कि नहीं, सुला दिया था, आया सुला देता है, ऐसे तो भाई सब सुला देता है। भाई ना, और आकर के इनसे मिली, एकदम से ऐसे करा इन्होंने जैसे ऐसे बोल रहे गोदी में ले लो, फिर मैंने गोदी में लिया, नहीं खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा।
तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद की होगी, अगर की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए और साथ ही साथ जो ये नया कपल है इसको अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए कि इनकी जो ज़िंदगी का नया सफ़र स्टार्ट होने जा रहा है वो सुखमय और शांतिमय और तनाव मुक्त रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।